सेशन चौड़ाव जेल में बंद लगभग 30 वर्षीय कैदी की सोमवार सुबह मौत हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे कुछ दिन बुखार भी था। 2015 में हुई पुलिस मुठभेड़ में मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर महीने में ही चंचौड़ा उपजेल में लाया गया था। उपजेल के जेलर ने बताया कि राधेश्याम कुशवाहा पुत्र रामकृष्ण कुशवाहा निवासी बरखेड़ा खुर्द तहसील चंचौड़ा को हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई थी। 16 दिसंबर को उसे चंचौड़ा उपजेल में शिफ्ट किया गया था। वह 2015 में कुंभराज इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के मामले में आरोपी था। उसे उस पर हत्या के प्रयास, मारपीट सहित अन्य धाराओं का मामला दर्ज था। उसे सजा सुनाई गई थी। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को उसे बुखार था। उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। इसके बाद 2 बार उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाया गया। सोमवार सुबह उसने दीवान से कहा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दीवान ने उन्हें बताया तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। जेल की टीम उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में उसको पोस्टमार्टम किया गया और उसकी मौत का कारण क्या रहा यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारण पता चलेगा। फिलहाल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। मैंने दिनांक 30/1/23 को पुलिस गार्ड के साथ उपचार हेतु भेजा गया सामदर्ग से स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज, और उसके बाद आराम नहीं मिला। उसको 3/2 को पुनः भेजा गया उपचार हेतु, 4/2 को भी भेजा गया और 6/2 को भेजा गया, और बंदी को नियमित रूप से दवाइयां दी जा रही थी, उपचार कराया जा रहा था। आज सुबह लगभग कितनी बजे कैदी की तबीयत बिगड़ी और उसका निधन हुआ? आज सुबह 6 बजे जेल 6:30 पर जेल खुली। उस समय बंदी ने बताया कि सर मुझे प्रमुख मुख प्रहरी श्री लक्ष्मण सिंह को सर मुझे सांस की दिक्कत आ रही है। उन्होंने तत्काल मेरे को बोला, मैंने तत्काल एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य भेजा। मृतक कैदी की पत्नी आरती का आरोप है कि जब वो बीमार था तो परिजनों को पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? हमारे बिल्कुल ये रेफर होता है, भर्ती होता है, बिल्कुल सूचना दी जाती है जी, नियमानुसार सूचना दी जाती है। यदि उपचार चल रहा है तो उपचार, जैसे कि कैदी की यहाँ मृत्यु हो गई थी, इसके बावजूद कोई परिजन जेल में आया? नहीं, जेल में नहीं आया, हॉस्पिटल में ही आए हैं। तो क्या बुलाना उचित नहीं था? हमने बुलवाया उनके परिजनों को। मृतक के परिजनों ने तो ये बताया कि हमको कोई सूचना नहीं दी कि दूसरे व्यक्ति ने सूचना दी है? नहीं, हमने पुलिस थाना चाचौड़ा, पुलिस थाना कुमराज दोनों DIO को पत्र जारी किया है, विधिवत और मौखिक भी बोला है, भाई परिजनों को बुला के लाइए। देखो, कितने समय से आपके यहाँ पे बंदी था? ये हमारे यहाँ 16/12/2022 से बंद है और 5 वर्ष की सजा में है। किस केस में था ये? 307 के अपराध में पंजीकृत कर सजा हुई थी इसको माननीय EDGA चाचौड़ा। LIC SBI में लगी जनता की पसीने की कमाई। जनता के पैसों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस का बैंक के बाहर प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत सोमवार को AB रोड स्थित LIC और SBI के बैंक दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने देश के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्तियों और उनके व्यवसाय की CBI से जांच कराने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह बैंक और LIC में जमा आम नागरिकों के पैसों को हर हाल में सुरक्षा करें। अडानी समूह के शेयर लगातार गिरने से बैंकों और LIC के किए गए निवेश एवं ऋण खतरे में पड़ गए हैं। इस रकम में ज़्यादातर आम नागरिकों की गाड़ी कमाई और बचत की गई जमा पूंजी है, जिस पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेहरवान धाकड़ और शहर जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्तीय संसाधनों
के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह अडानी समूह द्वारा गलत जानकारी के आधार पर खड़ी की गई कंपनियों के विस्तार से जांच कराएं। इसके अलावा LIC जैसे केंद्रीय संस्थान में जमा लोगों की बचत पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि देश भर के नागरिकों में व्याप्त भय को दूर किया जा सके। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए केंद्र के मोदी सरकार को भी खड़गरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि अडानी समूह को ऋण देने और LIC के जरिए निवेश कराने जैसे मामलों में ढील बरती गई है। इस अवसर में मान सिंह परसौदा, गोपाल शर्मा, दीपेश पटानी, वीरेंद्र सिसोदिया, इकरार बल्ला, शेखर वशिष्ठ, मोहन रजक, अनिल नायक, राजू जाटव, हलील गाजी, रामवीर जाटव, रामस्वरूप जाटव, पंकज कनेरिया, सुमित शर्मा सहित अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे। प्रदर्शन किया है आपने? अपनी फर्जी कंपनियां बना के इन बैंकों से, रिजर्व बैंक से और आपके LIC इनसे जो पैसा लिया है उनके लगातार शेयर कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि इनकी निष्पक्ष जांच हो, CID, CBI, ID से इनकी जांच होना चाहिए और इस तरह की ये लूट बंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारे जो लोगों का पैसा लगा हुआ है वो डूब जाए, इसकी जाँच होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी गुना ने यहाँ हमारे वित्त मंत्री जी की पॉलिसी से अडानी जी ने जिस तरह से घोटाला किया है, जनता के पैसे के साथ जो छलावा किया है, उसके विरोध में अपना विरोध दर्ज कराया है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अडानी के खिलाफ CBI जांच कराई जाए और जनता के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए SBI और LIC की रक्षा करने का कष्ट करें, यही हमारा उद्देश्य था। जिला मुख्यालय एवं 7 वर्ष पूर्व सामने आए DED कराने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय द्वारा कैंट थाना अंतर्गत विवेक कॉलोनी निवासी दीपक पुत्र स्वर्गीय प्रयाग नारायण शर्मा को 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाए जाने का समाचार है। मामले की व्यापकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उक्त मामले में लगभग 300 युवा धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। इसी पर 3 अलग अलग प्रकरण शहर कोतवाली में दर्ज किए गए, जिनमें 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आरोपी उक्त सजा सुनाई गई। इस दौरान लगभग 200 लोग बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। यही नहीं, न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान विवेचना अधिकारी के 30 पेज के बयान रिकॉर्ड किए गए। वहीं 10 पेजों के उनके बयानों का परीक्षण दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना और पीड़ितों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी की सजा सुनाई गई है। मामला है पूरा वर्ष 2013 में छात्रों के साथ में PGDCA के नाम से एक संस्थान खोला गया था, जिसमें छात्रों को PGDCA कराना और BED, DED के लिए एक यूनिट खोली गई थी गुना में, जिसमें कई छात्रों ने एडमिशन लिए। गुना जिला, शिवपुरी जिला, अशोकनगर जिला, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए थे छात्र। उनके साथ उनका MP बोर्ड में एडमिशन ना कराते हुए ना ही उन्होंने मेघालय यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया और उनसे बस फीस जमा की प्रत्येक छात्र से 60,000 रुपये और उनको किसी भी संस्थान में एडमिशन न कराते हुए फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें से दिनेश जाटव नाम का फरियादी व्यक्ति ने सबसे पहले प्राथमिकता के लिए आवेदन लेकर थाने में आया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना हुई, उन 200 के आधार पर जांच पड़ताल की गई। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में साक्ष्यों के कथन लिए गए, लगभग 300 छात्रों के साक्ष्य हुई इसमें प्रकरण में, और उसमें जब उन व्यक्तियों को दोषियों पे 7 साल की सजा और 3 धाराओं में 60,000 रुपये जुर्माना उन पर अधिरोपित किया गया। कई छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई थी वो आज कहीं ना कहीं अपने साथ हुए इस छल कपट के लिए थोड़ा संतुष्टि महत्वपूर्ण कर रहे होंगे। जजी बस स्टैंड गुना के अज्ञात चोरों ने रघुवंशी बस से बैटरी एवं ड्राइवर के 5,000 रुपए, एक यात्री का मोबाइल एवं सिंह ब्रदर्स बस के जैक चोरी हो गया। रघुवंशी बस के ड्राइवर माखन पाल गोलू विनेका ने बताया कि विगत दिवस जज्जी बस स्टैंड से उनकी बस में से अज्ञात चोरों ने बैटरी चोरी कर ली, जेब से 5,000 भी गायब हो गए।
एवं एक अन्य यात्री बस सो रहा था, उसका भी मोबाइल चोरी हो गया। गुना से ग्वालियर चलने वाली सिंह ब्रदर्स बस के कंडक्टर शिवराज तोमर ने बताया कि होटल पर खाना खाने गए, इतने में ही बस की जैक चोरी हो गया। दो दिन पहले ही ओपन 36 होटल से चोरी हुई। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। चला गया आपको यार, जैक रखा था, खाना गए, इतने में ही जैक को उठा के ले गया कोई गाड़ी में से। अच्छा, कहाँ से? बस स्टैंड से। आपका क्या नाम? मेरा नाम शिवराज सिंह तोमर है। तो क्या कंडक्टर हो के बस मालिक? कंडक्टर। अच्छा, कौन सी बस की? 633 सिंह ब्रदर्स। कहाँ से कहाँ चलती? शिवपुरी से वो गुना से ग्वालियर। अच्छा, कल क्या चोरी हो गया आपका? बैटरियाँ जा रही गाड़ी की, बैटरियाँ। कौन सी बस? बस की? बस की, रघुवंशी बस की। और मेरे जिम्मा से 5,000 रुपए चले गए। अच्छा, मोबाइल भी चला गया एक का, और मेरे 5,000 रुपए चले गए और गाड़ी में बैटरियाँ गई। क्या नाम आपका? माखन पाल। आप कंडक्टर हो गया? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? कौन सी बस की? रघुवंशी गोलू बने का। कहाँ से कहाँ चलते हो? गुना का ग्वालियर। कहाँ से चोरी हुआ ये? जज्जी बस स्टैंड। जज्जी बस स्टैंड? जज्जी बस स्टैंड। जनपद पंचायत गुना का ग्राम खुजा विकास के कोसों दूर है। सांसद, विधायक, कलेक्टर और जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। बरसात के गांव में पास नाला उफान के कारण आवागमन भी हो रहा है बंद। ग्राम खुजा के ग्रामवासी सतीश तिवारी ने बताया कि उन्होंने गुना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को ज़्यादातर गाँव वालों ने वोट दिए हैं, उसके बाद भी यह गाँव के विकास में से अछूता है। इस गांव में सड़क डलवाने के लिए सांसद, विधायक, कलेक्टर और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को आवेदन के लिए, इसके बाद भी यह गांव चारों तरफ सड़कों से कटा हुआ है, सड़क नहीं डाल पा रही। इस गांव की 4,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि 2,000 जनसंख्या वाले अन्य गांव दो दो बार सड़क डल चुकी है। खुजा के ग्रामीण जनों ने नेता एवं अधिकारियों से इस गाँव के लिए 113 व्यवहार बंद कर सड़क डलवाने की मांग की है। जी बताएं, कौन सा गांव है जी? ग्राम खुजा है, इसकी पंचायत चुराई है। अच्छा, तो जहाँ पे क्या समस्या आ रही है रास्ते की? यहाँ तीनों तरफ से ये कटा हुआ है, चारों तरफ से रोड नहीं है। अच्छा। हाँ, एक रोड है तो ये चुराई से यहाँ तक नहीं जुड़ पाई है, खेत विवाद के कारण। अच्छा। और बाकी इधर अपना भादौर रोड से भी नहीं जुड़ी है। अच्छा। पिपरौदा से भी नहीं जुड़ी है। अच्छा। तीनों तरफ से, चारों तरफ से कटी हुई है बिल्कुल। तो बरसात में टीचर आते होंगे, टीचरों को भी दिक्कत आती होगी, टाइम से नहीं आ पाते हैं। नदी नाला आ जाता है, यहाँ तो खड़े रहते हैं जब तक ये उतर नहीं जाता है। और ग्रामवासी, सभी ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। आज में बीमारी में कहीं जाने में बहुत परेशानी आती है। तो बरसात में जैसे कि डिलीवरी होती होगी, बरसात में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती होगी गाड़ियाँ, बरसात में तो पूरी परेशानी हो जाती है यहाँ पे। और आप क्या कहना चाहोगे गाँव की समस्या को लेकर? सर, मेरा कहना ये है कि हमारे गांव ग्राम खुजा में कहीं से भी कहीं सड़क नहीं है। हमने विधायक साहब को भी आवेदन दिया। हाँ। सांसद महोदय को भी दिया। हाँ। कलेक्टर महोदय को भी दिया। सभी को, मतलब जो भी वरिष्ठ नेता है, उन सबको हमने आवेदन दिया है। सर, हमारे गांव में सड़क मेन, मतलब रोड से नहीं जुड़ पा रही है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। ग्रामीण सड़क योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है सर। हमने बहुत परेशान है गाँव वाले। गाँव की जनसंख्या 4,000 से ऊपर है। और सर, लगभग 1999 से बीजेपी यहाँ जीतती चली आ रही है। अच्छा। लेकिन बीजेपी की विधानसभा में हम आते हैं गोपीलाल जी जाटव जी की में। हाँ। लेकिन हमारी यहाँ की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। और इस बार अब चुनाव होंगे तो हम बीजेपी नेताओं को ग्राम खुजा में प्रचार के लिए नहीं आने देंगे। अच्छा, तो आपको जहाँ पे पहले प्रचार करने आए होंगे ना, गोपीलाल जी भी आए होंगे सभी? टोटल सर सबसे हमारी समस्या कही है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। वादा कर, अब जो होगा आप सर, जब भी कोई भी बीजेपी नेता अगर खुजा में प्रचार करने आएगा तो हम सर बिल्कुल भी उनको प्रचार करने नहीं आने देंगे, क्योंकि हम ग्राम कच्ची सड़क से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे छोटे गांव जिनकी 500 जनसंख्या है वो पक्की सड़क से जुड़ गए हैं, लेकिन हमारा गांव 4,000 जनसंख्या का अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कीचड़ में कुचते हुए, और ना तो हम बरसात में बाज़ार जा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, ना ही हम इन, मतलब सुविधाओं का बाजार का लाभ ले सकते हैं। बहुत परेशान है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जितने भी नेता प्रचार करने आते हैं मुंह पे वादा करके मुकर जाते हैं सर। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं सर, हमारा गांव, एक तो सर हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है हमारा। हाँ। और दूसरी बात, ग्राम पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सर बहुत परेशान है, और हमारी सड़क चेक की जाए, तीनों तरफ से कच्ची सड़क से हम जुड़े हुए हैं। कौन सा गांव है जी? ये ग्राम खुजा है गुना जिले में। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश तिवारी है। पंचायत कौन सी लगती है? चुराई लगती है सर।
एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे दिव्यांग। 28 फरवरी से पुनः शुरू होगी दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा। आप सबको याद ही होगा कि गुना जिले के राघोगढ़ तहसील से 7 नवंबर 2022 को दिव्यांगों के द्वारा प्रदेश स्तर की पद यात्रा राघोगढ़ तहसील से मुख्यालय तक शुरू की गई थी। 9 फरवरी को इस यात्रा के मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा इस शर्त पर स्थगित करवाया गया था कि दिव्यांगों को 16 सूत्री मांगों के मध्य प्रदेश सरकार 3 माह में करेगी एवं दिव्यांगों को एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी बात रख सकेगा और इस प्रतिनिधि मंडल को पूरा व्यवस्था स्वयं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया करेंगे। 7 फरवरी को इस यात्रा को स्थगित हुए 3 माह पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन 3 माह में मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की कोई सुध नहीं ली है और ना ही पंचायत मंत्री ने दिव्यांगों से किया अपना वादा निभाया। दिव्यांगों ने द्वाराना चौराहा पर अपनी पदयात्रा को स्थगित किया था। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा के मीडिया प्रभारी सुनील पंत के द्वारा जानकारी दी गई कि 28 फरवरी से दिव्यांगों की स्वाभिमान पदयात्रा उसी दौरान चौराहा से शुरू होगी जहाँ से इस यात्रा को पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्थगित कराया गया था। साथ ही यह जानकारी भी दी गई। 2022 को मध्य प्रदेश के दिव्यांगों के द्वारा एक प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया जिसका नाम रखा गया दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा गुना जिले की राघोगढ़ तहसील से 7 नवंबर को शुरू होकर 9 नवंबर को दौराना चौराहा पर पहुंची, जहां मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा इस यात्रा को रोका गया और दिव्यांगों को यह आश्वासन दिया कि 3 माह के भीतर मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगों की 16 सूत्रीय मांगों को पूरा करेगी। इसके साथ ही एक वादा और भी किया कि दिव्यांगों का 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलेगा और इसकी पूरी व्यवस्था स्वयं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा की जाएगी। चूँकि 7 फरवरी को इस यात्रा को स्थगित हुए पूरे 3 माह होने को हैं और मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी कोई मंशा दिखाई नहीं दी अभी तक जो कि दिव्यांगों के लिए कुछ किया गया हो, इसलिए यह पदयात्रा एक बार फिर से 28 फरवरी को शुरू होने जा रही है और उसी स्थान से शुरू होने जा रही है जिसे अभी हाल ही में ललितपुर में संपन्न पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित भगवान श्री चंद्र प्रभु की अष्टधातु निर्मित प्रतिमा का स्थानीय सुभाष कॉलोनी स्थित श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जनालय में धार्मिक क्रियाओं के बीच प्रतिष्ठापन किया गया। इस अवसर पर आज सुबह जनालय से शुभ यात्रा शुरू हुई जिसमें आगे आगे सभी श्रद्धालु भजनों की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। उनके पीछे एक पालकी में अष्टधातु प्रतिमा रूप में भगवान चंद्र प्रभु चल रहे थे। ये पालकी श्रद्धालुओं के द्वारा अपने कंधों पर उठाई जाती रही। पालकी के पीछे भारी संख्या में महिलाएं उमंग व उत्साह के साथ कलश लिए हुए चल रही थी। जनालय से शुरू हुई शोभायात्रा तेलघानी चौराहा हाट रोड हनुमान चौराहा तेलघानी चौराहा होते हुए वापस जनालय पहुंचकर समाप्त हुई जहां मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान रास्ते भर श्रद्धालुओं के द्वारा रंगोली बनाकर और आरती उतारकर भगवान चंद्र प्रभु की वंदना की जाती रही। शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता रहा। इस दौरान जनालय से जुड़े जैन श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित थे। कैसे बताएं जो आज जुलूस निकाला गया था? आज दिनांक 6 फरवरी को विगत दिनों जो हुए पंच कल्याणक महोत्सव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ललितपुर में सम्पन्न हुए थे, उसमें एक अष्ट धातु की प्रतिमा श्री चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिष्ठित होकर आई थी जिसे कि आज जुलूस के माध्यम से श्री मुनि सुब्रतनाथ जनालय लाया गया पालकी के द्वारा और यहाँ पर संजय शास्त्री जो भैया जी हैं उनके द्वारा उसको मंत्रोच्चार और विधि विधान पूर्वक वेदी पर विराजमान किया गया। बड़ा ही उत्सव का माहौल था, सभी लोग जो है बहुत ही धार्मिक और उसमें संगीतमय वातावरण में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और लोगों ने इसका धर्म लाभ लिया। ये जुलूस कहाँ से आरंभ हुआ जाके पर? ये हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर तेलघानी और तेलघानी से वापस श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ जनालय आया गया। जुलूस के बाद में सभी भक्तजनों ने स्वल्पाहार का आनंद लिया और आज रात्रि में इसी संदर्भ में भजनों का एक बुलबुआ जो है महिला मंडल द्वारा आयोजित।
राधोगढ़ से शिवपुरी जाते समय गुना में कांग्रेस जनों ने राधोगढ़ विधायक एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का किया जोरदार स्वागत। अब गांव-गांव घूमेंगे सरकार के विकास रथ। पूर्व विधायक ममता मीना दूसरे दिन विकास यात्रा ग्राम भेसुआ से शुरू होकर दर्जन भर गांवों में पहुंची। चंचौड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेसुआ में सोमवार को दूसरे दिन विकास यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास यात्रा कार्यक्रम के बाद यहां से शुरू हुए विकास रथ को पूर्व विधायक चंचौड़ा श्रीमती ममता रघुवीर सिंह मीना ने विकास कार्य गिनाते हुए हरी झंडी दी। इसके पूर्व विगत दिवस विकास यात्रा का शुभारंभ ग्राम पखरियापुर के कलश पूजन एवं कन्या पूजन साथ शुरू हुआ था। इस मौके पर विकास यात्रा में जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सहित भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण जन शामिल रहे। यात्रा के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मीना ने कहा कि अब गांव-गांव घूमेंगे सरकार के विकास रथ और विकास की लहर हर गांव हर शहर तक पहुंचेगी। इसके तहत जिले की प्रत्येक विधानसभा में यह यात्रा प्रतिनिधि गांवों के वार्डों में पहुंचेगी। इन गांवों में सभाओं के जरिए पात्र हितग्राहियों को चिन्हित का उन्हें लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने विकास यात्रा कार्यक्रम में सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। भारतीय शिक्षण मंडल ने विचार गोष्ठी एवं समरसता यज्ञ का किया आयोजन। संत रविदास की शिक्षाएं विषमता से रहित कुरीति मुक्त भारतीय ज्ञान विज्ञान से युक्त परम रस विसमर रस समाज समर्थ राष्ट्र के मंत्र दृष्टा थे। उन्होंने मुगल परिधीनता के काल में अपने हिंदू समाज में ज्ञान एवं भक्ति रस की धारा प्रवाहित कर बलात् धर्मांतरण से बचाने में महती भूमिका निभाई। वे संपूर्ण हिंदू समाज के गौरव हम सबको उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर सोदरा हिंदू सर्वे ना हिंदू पति तो भवेत के उनके उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उक्त प्रबोधन भारतीय शिक्षण के मंडल प्रांतीय अधिकारी पंडित तुलसीदास दुबे ने संत रविदास जयंती के अवसर पर भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा श्री राम कॉलोनी स्थित संत रविदास मंदिर में आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में दिया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि इंजीनियर निर्मल जाटव ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के शासन में हताश और निराश हिंदू समाज में संत रविदास के राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर अपनी भक्ति ज्ञान द्वारा आशा एवं ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का संचालन कर पंडित रविंद्र कुमार शर्मा ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि संत रविदास का स्पष्ट विचार था कि और समाज दोनों के क्रियाकलाप सभी प्रकार के भेदभाव से पूर्णता मुक्त रहें। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुदर्शन तोमर ने कहा कि रविदास जी विधर्मी मुगल काल के हिंदुओं की दुर्दशा एवं धर्मांतरण को बहुत आहत हुआ है। जब सिकंदर लोदी ने उन्हें मुसलमान बनाने का प्रयास करने के लिए सदना नामक मौलवी को उनके पास भेजा तो उनका उत्तर था सर्वोत्तम वैदिक हिंदू धर्म निर्मल वा का ज्ञान यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढूं कुरान। इस प्रकार उनके उच्च ज्ञान एवं भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें मुसलमान बनाने आया मौलवी स्वयं ही इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण रामदास नाम से उनका शिष्य बन गया। बयाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव व किया गया प्रतिभाओं का सम्मान। बयाना के श्री जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में कल शाम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी अतिथियों का सम्मान शोल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही म्याना का नाम देश विदेश में ऊंचा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक शर्मा का सम्मान किया गया। इसके बाद म्याना के आसपास आने वाली समस्त पंचायतों के सरपंच म्याना में संपत्त समस्त समाजों के अध्यक्ष सामाजिक कार्य करने वाली सेवा समिति कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए कार्य करने वाले डॉक्टर्स पत्रकार बंधुओं म्याना के समस्त प्राइवेट स्कूलों के संचालकों म्याना की कोचिंग संचालकों पंचायत सचिवों म्याना पटवारी शिक्षकों एवं स्कूल में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया। विद्यालय में संचालक राजीव भार्गव से पूछा गया कि सम्मान समारोह किस उद्देश्य से रखा गया तो उन्होंने बताया कि सम्मान का पात्र है उसके लिए सम्मान मिलना चाहिए एवं एक मंच पर सबका सम्मान हो सभी में एकता की भावना जागृत हो हम एक होकर मत सामाजिक कार्य करें म्याना का उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करें इसलिए मैंने ये सम्मान समारोह रखा। स्कूल के छात्र छात्राओं
के द्वारा देशभक्ति, समाज, बालिका शिक्षा संबंधित मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिन्होंने सभी लोगों को कार्यक्रम के अंत तक बांधे रखा। ये जो सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, इसकी क्या उद्देश्य और क्या विशेषता रही सर? हमारे विद्यालय श्री जगदम्बा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आना है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह रखना ये मेरी अपनी खुद की सोच थी। मैं हमेशा सोचता था कि सभी जिस जो व्यक्ति वास्तव में समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, छात्र छात्राओं को पढ़ाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे स्कूल्स एवं सभी समितियां, सभी ग्राम पंचायत के सरपंच जो अपनी पंचायतों को उत्कृष्ट स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी का सम्मान किया जाए। इसी तारतम्य में मैंने सभी का सम्मान करने का एक छोटा सा प्रयास एक मंच पर लाने का किया। और मैं मेरा सभी लोगों से अपील मेरी है कि हमेशा अपने जीवन में व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, देश का विकास हो। आपका परिचय? राजीव भार्गव, संचालक श्री जयदम पम्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में आना।